अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए भाई अरविंद, भाई मनीष, गोपाल भाई अभी है, चार मिनट और अनेकों अनेक साथी मंच पे बैठे यहाँ सामने विराजमान और दूर दूर तक मेरी बात सुन रहे इस देश के सभी नागरिकों इस मंच से अपनी बात कहने का मौका 37-15 मुझे रामलीला मैदान में अगस्त के महीने में मिला था, फिर दिसंबर के महीने में मिला और आज लगभग एक साल बाद एक बार फिर मिल रहा हूं। मेरे लिए ये मंच सिर्फ एक भाषण का मंच नहीं है, मेरे लिए ये मंच सिर्फ किसी एक संगठन की एक रैली, एक आंदोलन, एक अनशन का मंच नहीं है। जब भी इस मंच पे आके खड़े होने का मुझे मौका मिला है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। मुझे महसूस होता है कि किसी एक बड़ी चीज में भाग लेने का अवसर मिला है और वो इसलिए कि मेरे लिए ये मंच इस देश में एक नई और शुभ ऊर्जा पैदा होने का मंच है। जब भी कोई नई चीज पैदा होती है उसमें दर्द भी होता है, उसमें कुछ कंफ्यूजन भी होता है, उसमें धुंधलता भी होता है। ये सब नई चीज के और उसमें एक ऐसी घड़ी भी आती है जब लगता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ होगा भी या नहीं होगा, ये सब एक नई चीज के पैदा होने के लक्षण। उसका दर्द, उसकी आशा, उसकी निराशा, उसकी संभावना और उसकी आशंका, ये सब किसी बड़े परिवर्तन का एक अनिवार्य अंग है। इस आंदोलन की बड़प्पन का एक और प्रतीक है कि इस आंदोलन ने मेरे जैसे तमाम लोगों को अपने दामन में समेटा है जिनकी राय 100% हमारे साथियों से नहीं मिलती। मुझे सौभाग्य है ये बात कहने का कि रामलीला मैदान से भी मैंने कुछ ऐसी बातें कही जो उस वक्त हमारे साथियों को प्रिय न लगी हो। सुनते हुए हमारे साथी ने कहा कि मुझे लगा तुम्हें तो पिट दिया जाएगा, यहाँ पे मंच से ऐसी बात बोल रहे हो। लेकिन एक बड़े आंदोलन का लक्षण है कि वो बड़ा आंदोलन बड़े मन का आंदोलन होता है और जिसका बड़ा मन होता है वो दूसरी आवाज सुन सकता है। और अगर हम इस देश में बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो हमें बड़े मन के साथ चलना होगा, अपने से दूसरे विचार को और अपने विचार की एक दूसरी अभिव्यक्ति को भी सुनना होगा। पिछले साल भर से देश में घूमा हूं, बहुत लोगों से बात करने का मौका मिला और उस आधार पे मैं एक बात रखना चाहता हूं इस आंदोलन के बारे में जो शुरुआत में आपको शायद अटपटी लगे, समझने में शायद दिक्कत आए, लेकिन मुझे यकीन है आप बड़े मन से इस बात को सुनेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। यह आंदोलन ना तो अन्ना हजारे का आंदोलन है, यह आंदोलन लोकपाल का के विरुद्ध आंदोलन लोकपाल का आंदोलन नहीं है और यह आंदोलन सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं है। ये तीनों बातें शुरुआत में आपको अटपटी लगी क्योंकि हम सब मानते हैं कि अन्ना हजारे का आंदोलन है, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, मैं अन्ना हजारे हूं और मेरा सौभाग्य है कि ये बात मैं अन्ना जी के सामने कह रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात का मर्म समझेंगे और उससे इत्तेफाक रखेंगे। मन के एक कोने में मैंने कहा सच ये है कि हम सबके मन में पाप भी है,
जिस दिन हमारे मन से पाप निकल जाएगा, किसी नेता की हिम्मत नहीं कि वो भ्रष्टाचार करे। हम आपके, हम सबके मन में पाप भी है, लेकिन कहीं एक कोना है जिसके अंदर अन्ना भी बैठा है। मंदिर में जाके हम क्या करते हैं, एक पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं ना। पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं देती हमें। जब पत्थर की मूर्ति के सामने हम दिया जलाते हैं तो हम अपने मन के अंधेरे में एक रोशनी जलाते हैं, कहते हैं काश मुझ में भी वो सब आ जाए जो इस मूर्ति में मैं देख रहा हूं। ये काम इस देश में अन्ना हजारे ने पिछले एक साल से किया है। हम जैसे सब छोटे लोगों में, जिसके मन के भीतर पाप भी है, चोर भी है, बेईमानी भी है, कमजोरी भी है, उन सब लोगों के मन में एक छोटा सा कोना अन्ना का बनाया है। उस छोटे, हम जैसे छोटे लोगों को, हम जैसे साधारण लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके मन में कमजोरियां हैं, उन्हें हिम्मत दी है, उनमें अपने ही मन के पाप और बुराई से लड़ने की प्रेरणा दी है। इस लिहाज से मैं कहता हूं, यह आंदोलन अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के हर नागरिक ने अपने भीतर अन्ना ढूंढा है उसका आंदोलन। दूसरी बात मैंने कही, यह आंदोलन लोकपाल विधेयक के बारे में आंदोलन नहीं। यह भी अटपटी बात है कि हम जाहिर जानते हैं कि वे लोकपाल विधेयक बने, इसकी खूब बात हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश को लोकपाल जैसी एक संस्था की जरूरत है, अच्छी सशक्त संस्था की जरूरत है। और इसमें कोई शक नहीं है, जैसे प्रशांत भूषण जी ने कहा, अगर लोकपाल जैसी सशक्त संस्था इस देश में होती तो आज कई लोग जो इस देश में बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, वो शायद उन पदों पर नहीं होते, नीचे होते, और इनमें से कुछ लोग तिहाड़ में होते, कहीं और होते, होना ही चाहिए। तो जाहिर है इस देश को लोकपाल की जरूरत है, लोकपाल जैसी संस्था की जरूरत है। लेकिन पिछले एक साल में जब मैं देश भर में घूमा, साधारण लोगों से बात की, सबसे पूछा कि क्या है इस आंदोलन के बारे में, क्या उत्साह है, क्यों बदलाव आ रहा है, आपको क्या महसूस होता है, तो मुझे समझ आया कि दरअसल इस आंदोलन का समर्थन करने वाले बहुत लोगों को, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ज्यादा सचेत लोग हैं, दिल्ली शहर है, अखबार भी लोग पढ़ लेते हैं, या जो हिम्मत करके अपने घर के बाहर निकल के आए हैं, रैली में हिस्सा लेने आए हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इस आंदोलन की असली शक्ति केवल वहां नहीं है जो लोग रैली में आ जाते हैं, इस आंदोलन की असली शक्ति हर उस गांव कस्बे में है जो दिल्ली तक नहीं आए हैं लेकिन अपने गांव कस्बे की सड़क पे आए हैं। और उससे भी बड़ी शक्ति वो है जो अपने गांव कस्बे की सड़क पे भी नहीं आए, अपने घर में बैठी हुई जो महिला सोचती है कि काम तो भला कर रहे हैं इन लोग, इनको आशीर्वाद दें। मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ, मेरी माँ अब 82 साल की हैं, अशक्त हो चुकी हैं, एक वॉकर के सहारे चलती हैं। अरविंद भाई रेवाड़ी गए तो मैंने कहा माँ से परिचय करवा दूँ, मैं लेके गया, माँ ये अरविंद केजरीवाल है, नाम सुना है, आजकल वो कुछ पढ़ती वढ़ती कम है। मैंने कहा हाँ बेटा मुझे पता है, मैंने कहा मैं सोचा आपसे मिलवा दूँ। उन्होंने कुछ, आजकल बहुत कम बोल पाती हैं, बहुत क्षीण आवाज में बोल पाती हैं, उन्होंने इतना कहा बेटा देश के भले का काम कर रहे हो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। इस आंदोलन की असली शक्ति वहां है, वो औरत जो वॉकर पे चलती है, घर से बाहर छोड़िए कमरे से बाहर नहीं निकल सकती है, उसका मन जो आशीर्वाद दे रहा है, वो जो करोड़ों आशीर्वाद आपके साथ है, वो इस आंदोलन की शक्ति है। वो लोग, हो सकता है लोकपाल बिल क्या है उन्हें पता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन उनके मन में एक विचार है। आज से एक साल डेढ़ साल पहले जो लोग समझते थे कि हम बेचारे हैं, नेता लोग मालिक हैं, हम बेचारे नागरिक, हम क्या कर सकते हैं, मैं अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेली, वो भी अकेला, आज वो पांचों लोग मिलके कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं है, हम पांचों लोग अकेले नहीं हो सकते, हम मिलके खड़े हो सकते। इस देश का नागरिक जो अपने आप को असहाय महसूस करता था, बेचारा महसूस करता था, और बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने वालों को माई बाप समझता था, उनके खिलाफ गुस्सा रखता था लेकिन उन्हें माई बाप समझता था, उनके
बारे में अब उसकी ये धारणा हो गई है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं बेचारा नहीं हूं, मैं इस देश में कुछ कर सकता हूं। ये इस आंदोलन की असली शक्ति। इस देश का साधारण नागरिक समझता है कि मैं इस देश को बदलने के लिए कुछ कर सकता हूं। उसको लोकपाल बिल का हो सकता है पता ना हो, तकनीकी बातें कुछ पता ना हो, लेकिन एक लोकतंत्र में जिस दिन नागरिक को लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं वो बहुत बड़ी बात है। तो एक बेचारा जो है वो आपका नागरिक बन गया है, जो सब्जेक्ट था अंग्रेजी में कहते हैं वो एक सिटीजन बन गया है। वो इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये आंदोलन लोकपाल के बारे में नहीं है, इस देश के नागरिक के सशक्त होने के बारे में। तीसरी बात, मैंने कहा यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ नहीं है। अब जाहिर है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। प्रशांत जी ने इतने अच्छे तरीके से अभी आपको आके बताया, इसमें कोई शक नहीं है कि इस आंदोलन ने भ्रष्टाचार की परिभाषा का भी विस्तार किया। एक औसत आदमी को जब बोला जाए कि इस देश में भ्रष्टाचार है, या कोई बोले कि यह अफसर भ्रष्ट है, तो एक औसत व्यक्ति के मन में धारणा यह आती है कि पैसा लेके काम करता है या पैसा लेके काम नहीं करता। रिश्वतखोरी को हम भ्रष्टाचार मानते हैं, रिश्वतखोरी से आगे या पीछे कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसी इस देश के एक औसत नागरिक की धारणा बन गई। यह आंदोलन भ्रष्टाचार की परिभाषा का विस्तार करता है। मैं एक बात कहूंगा जो हो सकता है इस मंच पर ज्यादातर लोगों को स्वीकार ना हो सकता है यहां आप बैठे लोगों उनको भी स्वीकार ना हो, लेकिन मेरा काम यहां आके सच बोलना है। इतने बड़े मंच पे आके अपने मन की बात सच्चाई से ना बोलूं तो आपके साथ भी ईमानदारी नहीं होगी। प्रधानमंत्री का नाम आया, प्रधानमंत्री भ्रष्ट है नहीं है इस पर काफी बहस चल रही है, इस मंच से भी बातें कही गई हैं और प्रेस में भी चल रही है, बयान भी आ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। एक तो वैसे लोकतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में सर्वोच्च पद धारण करने वाले लोगों के चरित्र के बारे में खुली चर्चा हो सके, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है। चुप्पी बनाए रखना कोई स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि सर्वोच्च पदाधिकारियों के चरित्र के बारे में खुली चर्चा होनी चाहिए। ये जो है कि ये कोई अच्छे लोकतंत्र का लक्षण नहीं। मेरी अपनी धारणा रही है कि अगर हम भ्रष्टाचार की सीमित परिभाषा दें, सीमित परिभाषा यह है कि नेताजी के दफ्तर में जाओ, उनको पैसा पकड़ाओ और काम करवा लो, मेरी धारणा यह रही है कि इस देश के प्रधानमंत्री इस सीमित परिभाषा के तहत भ्रष्ट नहीं है। ये मैंने महसूस किया है, जो कुछ मेरी सूचना है उसके आधार पे मेरी ये धारणा रही है कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको जाओ नोट की गड्डी पकड़ाओ और अपना काम करवाओ। मैं इस चीज के बारे में कहीं ना कहीं उनके बारे में मेरी एक सकारात्मक धारणा ये करके बनी रही है। और खास तौर पे इस देश के प्रधानमंत्रियों का पिछले 20-25-30 साल का इतिहास उठा लें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि चलो बहुत दिन बाद कम से कम पीएमओ ऑफिस अब ऐसा है, प्रधानमंत्री केवल नहीं पीएमओ पूरा जो उनका दफ्तर होता है, कि उसमें सीधा आप नोट की गड्डी लेके घुस नहीं सकते और सीधे सीधे काम नहीं करवा सकते। मैं उन लोगों में से हूं, हो सकता है आप सारे ना हो यहां, मैं उन लोगों में से हूं जो कि इस मायने में प्रधानमंत्री को इस सकुचित मायने में ईमानदार मानते हैं और उनके बारे में अच्छी राय रखते। लेकिन जब मैं इस पूरी समग्र तस्वीर को देखता हूं, जब मैं कहता हूं कि भाई इनको तो गड्डी देके आप काम नहीं करवा सकते, लेकिन इनके जो दाएं बैठा है, इनके जो बाएं बैठा है, इनके जो पीछे बैठा है, इनके जो आगे बैठा है, हर एक को गड्डी दे सकते हो, और जब गड्डी देने का सबूत ले जाओगे तो वो आंख बंद कर लेंगे। तो मेरा मन ये पूछता है कि भाई इस ईमानदारी का लेके मैं क्या करूं।
मैं प्रधानमंत्री का मखौल नहीं उड़ाना चाहता, मैं वाकई कह रहा हूं और मन से कह रहा हूं कि मेरे मन में उनके लिए इस देश में राजनेताओं की जो स्थिति आ गई है उसको चल के कम से कम एक कोई ऐसा 1, 2, 5, 10 लोग ऐसे मिल जाएं जिनको सीधे सीधे पैसा दे के आप धंधा ना करवा सकें, उस व्यक्ति के लिए थोड़ी बहुत इज्जत मेरे मन में है और रहेगी। लेकिन अगर आप सर्वोच्च पद पे आ जाए तब आपकी जिम्मेवारी सिर्फ ये नहीं बनती कि मेरी जेब में आपने पैसा डाला कि नहीं, तब आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि मेरी जो पूरी टीम है, मेरी गाड़ी का जो ड्राइवर है, मेरी गाड़ी के अंदर जो 10 लोग बैठे हुए हैं, उन सब का क्या चरित्र है, उस चरित्र के बारे में कुछ न्यूनतम परिभाषा करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उस लिहाज से मैं कहता हूं कि ये जो आंदोलन है केवल भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन अब इस देश में सदाचार के लिए आंदोलन, भ्रष्टाचार की लिमिटेड डेफिनेशन में हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री बच जाए, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, मैं जानता हूं टीवी कैमरा वाले बैठे हैं, मैं जानता हूं जो बात कही जा रही है रिकॉर्ड हो रही है, हो सकता है रिश्वतखोरी के इस सीमित अर्थ में प्रधानमंत्री आप भ्रष्ट ना हो, लेकिन ये जो 2G स्कैम हुआ है, ये जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, प्रशांत भूषण जी ने 10-15 मामले निकाल के रखे हैं, इन सब मामलों को देखते हुए आंख मूंदे रखना सदाचार नहीं है। इसलिए ये आपको ये आंदोलन अब इस देश में सदाचार के लिए आंदोलन है। बस एक अंतिम बात कहूंगा, लंबी बात नहीं कहूंगा, अपने साथियों को एक सिफारिश, एक सुझाव, एक अर्जी मेरी तरफ से। सदाचार के लिए जब आप इस देश में आंदोलन चलाएंगे, आप 1 महीना 2 महीना 1 साल राजनीति को बाजू में रख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हम सदाचार चलाएंगे, राजनीति को दूर रखो, वो कर सकते हैं, करना चाहिए भी, लेकिन राजनीति इस देश का युग धर्म है। आज इस देश का युग धर्म है। युग धर्म का मतलब क्या, कि कोई भी बड़ा काम करना, आज से 500 साल पहले जैसे कबीर, नानक, वो अपने युग धर्म के लोग थे, अगर आज से 500 साल पहले गांधी जी पैदा होते तो वो कबीर नानक बनते, वो कोई शासक नहीं बनते, पॉलिटिक्स नहीं करते, उस युग का धर्म था जो सूफी संतों का धर्म था। पिछले 100 साल का जो युग है, जो आज हमारा चल रहा है, इसमें राजनीति युग धर्म है। इस युग में कोई भी बड़ा काम आपको करना हो तो राजनीति के सांप को, राजनीति के घोड़े को आपको काबू में करना पड़ेगा। इसीलिए इस देश के सबसे बड़े पापी, ढोंगी, बदमाश राजनीति में होते हैं और सबसे बड़े संत भी राजनीति में होते हैं। अगर आपको इस देश में सदाचार की नई ज्योति जगानी है, अगर आपको सदाचार के लिए इस देश में नई ऊर्जा को स्थापित करना है, तो अरविंद भाई, मनीष भाई, गोपाल भाई, प्रशांत जी, किरण जी, आप सब साथियों को और अन्ना हजारे को सबसे पहले मेरी ये विनम्र निवेदन है, बहुत समय तक आप राजनीति को बाजू में नहीं रख सकते, आपको देर सवेर इस राजनीति को अपने बस में करना होगा। बस में कैसे करें, कोई ए पार्टी और बी पार्टी का हिस्सा बन के नहीं होगा, ए पार्टी का खिलाफ करना, बी पार्टी का समर्थन करना उससे नहीं होगा, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और अगर इसमें कोई शक था तो संसद की कार्यवाही से साफ हो गया, कोई दल इस देश की संसद में मिला के 29-30 दल कम से कम है, कोई एक भी दल आपका लोकपाल बिल शामिल पास होना नहीं चाहता, सबके सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और अगर आपको इस राजनीति को बस में करना है तो आपको एक तो राजनीति का विकल्प बनने से काम नहीं चलेगा, राजनीति से मुंह मोड़ने से काम नहीं चलेगा,
और बनी बनाई राजनीति के ए डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा उसमें जाने से काम नहीं चलेगा। आपको इस पूरी ट्रेन का विकल्प बनाना होगा, आपको एक वैकल्पिक किस्म की राजनीति स्थापित करनी होगी। मैंने कहा यह मंच एक नई ऊर्जा का सूत्रपात कर रहा है इस देश में, और अंत में मैंने कहा वो नई ऊर्जा अंततः राजनीति की ऊर्जा होगी। राजनीति इस देश में सबसे बड़े कुकर्मों का घर रहा है और इसीलिए राजनीति को इस देश में शुभ और पुण्य का मार्ग भी बनना होगा, और मुझे यकीन है आप वो मार्ग सामने करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।